Hello friends, today I am going to discuss with you some tricks to make your Diwali special and healthy. So I have six tricks which I want to share with you. So let's start with the first trick. Number one, do not skip your exercise or workout as it would help you to maintain your body weight. So ये नहीं है कि दिवाली है किसी और काम में फटाफट से लग जाएं. जैसे आप वर्कआउट अपना करते हैं यूजुअली वैसे ही टाइमिंग दें अपनी बॉडी को वर्कआउट करें ताकि आपका जो वेट है वो गेन ना हो सके. सेकेंड जो है वो है कीप हाइड्रेटेड योर बॉडी. सो यू कैन टेक इन्फ्यूज ड्रिंक्स लाइक द लेमन वाटर लाइम ड्रिंक. ओनली स्क्वीज द लेमन इन द वन ग्लास ऑफ वाटर एंड ग्रीन टी कोकोनट वाटर. So we can keep our body hydrated. ये ना हो कि हम पानी की कमी से ही हमारी बॉडी को एसिडिक इन्वायरमेंट मिल जाए एंड एज ए रिजल्ट हमें कोई इरिटेशन या हमारे स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ सके. सो सेकेंड नंबर ट्रिक में क्या है कि आपने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, पानी ज्यादा पीना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, इन्फ्यूज ड्रिंक चाहे लेमन डाल के पियो आप, ग्रीन टी की फॉर्म में कोकोनट वाटर पी लो या सिंपल वाटर पी लो. आपने ध्यान रखना है कि आपने पानी को बिल्कुल जितना यूजुअली डेज में आप कंज्यूम करते हैं 2 to 3 liter नॉर्मल उतना कंज्यूम करना है. सो थर्डली क्या है, स्टे अवे फ्रॉम द प्रोसेस्ड एंड पैकेट फूड आइटम्स बिकॉज इट कंटेन्स द प्रिजर्वेटिव्स सोडियम रिच आइटम्स. सो हमने ध्यान क्या रखना है कि हम जितना हो सके होममेड चीजें प्रिपेयर करें. ये ना हो कि बाहर से आप पिज्जा खा रहे हो या बर्गर्स खा रहे हो, प्रोसेस्ड इतना खा ले कि बॉडी का एनवायरनमेंट एक दिन में ही हम एसिडिक कर लें. सो इफ यू वांट टू एंजॉय द दिवाली देन दिवाली को दिवाली की तरह आप सेलिब्रेट कीजिए. ये मत सोचिए कि आज सिर्फ खाने का दिन है एंड डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस को हमने टेस्ट करना है, खाना है. सो खाने की लिमिट का आपको पता होना चाहिए कि कितना खाना है एंड क्या खाना है और कब खाना है. सो उसके नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ ट्रिक है वो ये है कि चूज हेल्दी ऑप्शंस व्हाइल गिफ्टिंग टू नियर्स एंड डियर्स. ये नहीं है कि कहीं भी हम गए हैं तो सभी जगह मिठाइयां के डब्बे ले जाएं. सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस कि अगर हम किसी को गिफ्ट कुछ करना चाहते हैं जैसे कि नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए एंड वी कैन बाय बिस्किट्स ऑल्सो बिकॉज दीज आर हेल्दी एज कम्पेयर टू स्वीट्स. बिस्किट्स बिल्कुल बिस्किट की पैकिंग हम दे सकते हैं बिकॉज स्वीट से तो ये ठीक है, इसकी कोई इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे. एंड उसके बाद जो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि गो फॉर होममेड हेल्दी ऑप्शंस रेदर देन कि बाहर से आप कोई मिठाई लेकर आ रहे हो. जितना हो सकता है होममेड आप प्रिपेयर कीजिए एंड रिफाइंड फूड जितना है उससे दूर रहिए. इसके अलावा जितने भी मिलेट्स हैं कोशिश कीजिए कि उसको यूज करके आप कुछ बनाएं, जैसे कि रागी की खीर बन गई या रागी का हलवा बन गया. इसके अलावा कोकोनट की कुकीज बन सकती हैं, जौ की खीर बन सकती है. सो उस तरफ की जो ऑप्शंस है उसको अगर आप अडॉप्ट कर लें इस दिन के लिए तो वो ज्यादा बेस्ट रहेंगी. एंड उसके बाद ये है लास्ट में कि गो अवे फ्रॉम द एल्कोहलिक बेवरेजेस बिकॉज इसमें जीरो कैलोरी होती है एंड इसके साइड इफेक्ट वैसे तो है ही लेकिन वेट गेन में भी ये हेल्प करेगा. आपकी वेट गेन हो जाएगा बिकॉज कैलोरी जीरो है, शुगर है. एंड इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने ये सारे के सारे जो ट्रिक्स हैं इसको फॉलो करके अपनी दिवाली को सेलिब्रेट करना है. एंड दिवाली जस्ट ये नहीं है कि खाने पीने का एक त्योहार है. दिवाली में हमने कोशिश करनी है कि जितनी भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसको हम एक्सपेल आउट कर दें, बाहर निकाल दें और कोई भी एक जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको हम अडॉप्ट कर ले, चाहे वो डाइट को लेकर हो, चाहे वो आपके सोशल बिहेवियर को लेकर हो. कुछ भी आपको अपना बुरा लगता है आप उसको बाहर निकालिए एंड कोशिश कीजिए कि आप हेल्दी गाइडलाइंस को ही फॉलो करें. एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जैसे कि PJMER ने भी बताया है कि ट्रांस फैट से हमने दूर रहना है, तो कोशिश कीजिए अगर कुछ भी आप बनाना चाहते हैं नमकीन्स में
जैसे आप पकौड़े बनाना चाहते हो या ब्रेड पकौड़े बनाना चाहते हो तो घर में ही ट्राई कीजिए, ट्रांस फैट से आप जितना हो सके दूर रहिए एंड घर बैठे अपने बच्चों के साथ, अगर बच्चे हैं तो बड़ों के साथ अपनी दिवाली को बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय कीजिए, बिकॉज ये लाइट का एक त्योहार है, लाइट के त्योहार को वैसे ही सेलिब्रेट करना है, हमने अपने पेड़ को खराब नहीं करना है इस दिन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली, कीप शेयरिंग, थैंक यू।